नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागॉजी चैनल में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का है, चैप्टर वन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या आप स्टार्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, पूरा कम्प्लीट समझते हैं इसको। चलिए देखिए, पहला दिख रहा है आपको चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन प्लांट्स। क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब कोई चीज़ हम खाते हैं, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब द फिर रहता है न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड डेट प्रोवाइड न्यूट्रिशमेंट टू द बॉडी। मतलब जो हम खाना खाते हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स होता है और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर मिलता है हमें खाने के बाद में। क्लियर? तो ये दो चीज़ों में थोड़ा सा फर्क है, लिटिल आप समझ सकते हैं क्या है। अब दिख रहा है? हाँ। नेक्स्ट कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन देयर बॉडीज। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब खाना खाते हैं अपनी जो लाइफ होती है ग्रोथ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। हम जब खाना नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। हमारी ग्रोथ होगी किसी भी चीज़ की, मसल्स डेवलप नहीं होंगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। मतलब जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो खाना बनाते हैं उसकी पूरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपना खुद काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर ये टेकन होगा, टेकन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, एक पिगमेंट होता है आपका, हरी पत्तियाँ पाया जाता है। ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की आपकी एक डेफिनेशन है। मतलब ये कह रहा है जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, पानी की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से। इससे क्या करते हैं? प्रॉपर खाना प्रॉपर बना पाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। मतलब खाना बनाने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ तीन चीज़ लेते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स लेते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इनके बिना फोटोसिंथेसिस पूरी नहीं है आपकी। क्लियर? इसको मैं ऊपर कर देता हूँ स्क्रॉल करके, फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स क्यों माना जाता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सारा काम करता है, इसी से हमारी पूरी दिनचर्या चलती है, और सारा रोल इसमें वेट लॉस और वेट गेन का सारा कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। मैं इन फ्यूचर कोई वीडियो दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा कैसे पूरा सिनेरियो काम करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या होता है? एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो सोलर एनर्जी मतलब सन की जो एनर्जी होती है वो खाने में स्टोर होती है पत्तियों में, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की मदद से। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं आपके। क्लियर? ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब कि जो ऑक्सीजन रिलीज की जाती है पौधों द्वारा, तो उसके बाद करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ है इसका। नेक्स्ट है, फंगी ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकिंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉप्स। जो फंजाई होती है ना आपकी, आप देखते हो फंगस लग जाती है, वो क्या करती है? जो न्यूट्रिशंस लेती है ना, किस लेती है? जो मरे हुए होते हैं, बिल्कुल सड़ गए होते हैं, जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, बोलते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब जो अपना खाना किसी ऐसे बंदे से चीज़ से लें जो मर चुकी है, सड़ चुकी है। क्लियर? तो उसको बोलते हैं फंगस। उसके प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? कस्केटा होता है, ये पैरासाइट बोलते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। मतलब एक प्लांट्स पे बैठ जाते हैं, अपना आपको जमा लेते हैं, तो उसको होस्ट प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट है, अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन और कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। मतलब कि कुछ प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, या फिर एनिमल्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उनको बोला जाता है हेटरोट्रॉप्स, और जो खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है पैरासाइट। मैं आपको बता चुका हूँ,
ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई दूसरे की बॉडी पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं आपके, क्लियर। अब पैरासाइट में क्या, ऑल पैरासाइट प्लांट्स फीड्स ऑन अदर प्लांट्स, जितने भी पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं वो सारे दूसरे जो पैरासाइट प्लांट्स होते हैं उन पे फीड करते हैं, मतलब फीड मतलब खाना खाते हैं आपको। एक होते हैं पार्शियल पैरासाइट, एक होता है टोटल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट होते हैं ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दी होस्ट, एग्जाम्पल पेंटेड कप, मतलब थोड़ा खाना लेते हैं, ठीक है, सारा नहीं लेते हैं, पूरी तरह डिपेंड नहीं होते हैं, तो उनको बोला जाता है। और टोटल पैरासाइट जो पूरी तरह फुल्ली डिपेंड हो और सिर्फ खाना अपना वहीं से ही लेते हैं, डिपेंडेंट कम्प्लीटेड ऑन द होस्ट ऑफ फॉर न्यूट्रिशन, जैसे मिस्टिलियोइट, ठीक है, ये है। उसके बाद आता है आपका सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक, मतलब जो मरे और सड़े हुए से खाना खाते हैं उनको बोलते हैं हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मशरूम, क्या है मशरूम, इसके नीचे तो नहीं है कुछ, ठीक है, लास्ट है मशरूम मोल्ड्स एंड सर्टेन टाइप्स फंगी एंड बैक्टीरिया, ये कुछ टाइप के फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इसको करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, क्या आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्शली फ्रॉम सॉइल एंड एटमोसफेयर एंड पार्शली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट, मतलब कि वे ग्रीन प्लांट जो अपना खाना कुछ तो मिट्टी से लेते हैं, मिट्टी और एटमोसफेयर से लेते हैं, और कुछ स्मॉल इंसेक्ट से लेते हैं, उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे आ जाता उसमें वो फूल से खुल जाता है और उसमें इंसेक्ट फंसा था वो खा जाता है, मैं देखा हुआ, तो उसको बोलते हैं पिचर प्लांट, क्या बोलते हैं पिचर प्लांट, या फिर ब्लैडर वॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये तीन पौधे हैं आपके, इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिम्बोसिस, सिम्बोसिस कहता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब दो अलग अलग एसोसिएट विद ईच अदर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, मतलब तुम मुझे खाना दो मैं तुम्हें खाना देता हूँ, क्लियर, तो आपस में शेयरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बोसिस मोड, क्या बोलते हैं सिम्बोसिस मोड। एग्जाम्पल है जैसे लीचन फाउंड ऑन ट्री ट्रंक इन एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस, एल्गा क्या लेती है वाटर लेती है फंगस से, और इट टर्न ऑब्टेन्स फ्रॉम फूड फ्रॉम एल्गा, मतलब वाइसा वर्षा करते हैं, वो उसको खाना देता है वो उसको पानी देता है, तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बोसिस प्रोसेस। क्लियर होगा गाइस, ये पूरा चैप्टर था, अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है आपके क्लास 7th के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे आपका गिवन है एनसीईआरटी का, उससे आप देख सकते हैं आपके, कह रहा है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, प्लांट्स खाना क्यों खाते हैं, कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाना इसलिए जरूरी होता है ताकि वो उसको एनर्जी मिल सके और अलग टाइप की एक्टिविटीज कर सकें, ऑल एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग खेलना रनिंग करना वॉकिंग अधिक आपको स्टडिंग एटसेट्रा रिक्वायर एनर्जी, मतलब कुछ भी काम करने के लिए दिनचर्या की जो हमारी क्रिया होती है उसको करने के लिए हमें खाना चाहिए होता है। द वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड सच एज क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन फैट्स और विटामिंस और मिनरल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और इनसे हमारी बॉडी ग्रो करती है। बच्चों को अच्छा खाना दिया था जब भी उनकी बॉडी ग्रो करती है, तो छोटे से बच्चों से बड़े बड़े होते जाते हैं, खाना खा के तो बड़े होते हैं ना वो, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोटोक, पैरासाइट टू सेप्रोटोक में डिफरेंस क्या है, देखिए आंसर लिखा है पैरासाइट द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोस ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे की बॉडी पे जो ग्रो करते हैं एंड ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे वो लेते हैं, ये बीच में कटा हुआ है, ठीक है, इतना फ्रॉम इट इज नोन एज ए पैरासाइट, क्लियर, यहाँ पे पैरासाइट बोला जाता है आपको। नेक्स्ट है सेप्रोट्रोफ द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर द डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफ होता है आपका, ठीक है। पैरासाइट के एग्जांपल बताया था मैंने, कैस्केटा और ऑर्चिड्स हैं आपके, और सेप्रोट्रोफ के एग्जांपल है फंजाई और सब कुछ बैक्टीरिया आपके, क्लियर, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थर्ड कह रहा है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, अब स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे पत्तियों में, आंसर है एक्सपेरिमेंट टू द टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव्स, क्या करेंगे टेक टू हेल्दी ग्रीन लीव्स लेंगे, प्लॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप लगा देंगे, कीप वन पॉटेड प्लांट इन डार्क, एक को अंधेरे में रख देंगे,
और एक को 2 दिन और एक को उजाले वाले रूम में रख देंगे, ठीक है, 1 or 2 days इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द स्टार्च फ्रॉम द लीव्स, कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट, एक को सनलाइट में रखेंगे और एक को अंधेरे में रखेंगे। नाउ टेक 1 leaf फ्रॉम ईच पोटेड प्लांट एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, मतलब दोनों की पत्तियाँ लेंगे फिर उसमें एक आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन को आप नोट करेंगे। देखिए प्लांट्स केप्ट दिख रहा है, हाँ कह रहा है प्लांट्स केप्ट इन लाइट एंड डार्क कंडीशन, नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन डार्क रूम, जो डार्क रूम में रखा गया था उसमें कोई ना तो ब्लैक कलर होगा ना ब्लू कलर होगा, कोई दिखाई नहीं देगा। दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, इससे दिखता है कि यहाँ पे स्टार्च नहीं है। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन सनलाइट, जो सनलाइट में प्लांट्स रखा गया था उसमें आपको ब्लू या ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा, उससे प्रेजेंस किसी पर चलेगी आपको स्टार्च की प्रेजेंस पता लगेगी। फोर्थ क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है इसके बारे में बताना है, ये बात करते हैं। पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स कॉल्ड सेल्स सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, जैसे मैंने आपको नोट्स में समझा रखा है। देखिए ये प्लांट है, ये नीचे से वाटर लेता है आपका स्टेम के थ्रू, यहाँ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है आपका और इधर से ऑक्सीजन आपकी निकलती है और यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है सनलाइट के थ्रू, क्लियर। देखिए फोटोसिंथेसिस सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन कौन सी सोर्सेज चाहिए रॉ सोर्स में, कच्चे सोर्स चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। पहला है वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स, रूट से पानी लेना मतलब रूट से पानी मिलना चाहिए ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और लीव्स के थ्रू जाना चाहिए ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वहाँ पे। सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर द लीव्स थ्रू द टिनी पोर्स, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आनी चाहिए जो पत्तियों के टिनी पोर्स होते हैं उसमें, इसको कार्ड बोलते हैं स्टोमेटा, क्या बोलते हैं स्टोमेटा, एंड डिफ्यूजिस टू द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, और जहाँ डिफ्यूज मतलब फैल जानी चाहिए, कहाँ फैलनी चाहिए जो प्लांट्स में पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया था उसमें फैलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है सोलर एनर्जी इज यूज टू ब्रेक वाटर इंटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो सोलर एनर्जी है मतलब सन की जो लाइट है वो वाटर क्या करेगी ब्रेक करेगी वाटर को किसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, H2O होता है ना, H2O किस में टूट जाएगा हाइड्रोजन में टूट जाएगा और O2 में टूट जाएगा, दो फॉर्म में टूटेगा आपका, क्लियर। दिस हाइड्रोजन कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड, या कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन फॉर द प्लांट विच अल्टीमेट यूज बाय द एनिमल्स एज वेल एज, मतलब वो खाना एक तरीके से खाना बना के दे देगा आपको, जो ग्लूकोज बनता है आपका तो उस फॉर्म में बनेगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, यहाँ सनलाइट है क्लोरोफिल है, तो क्या बनेगा कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, वाटर में जो H2 है आपका टूटेगा ना, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना देगा आपका, क्लियर। नेक्स्ट है सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स के अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होते हैं उसके बारे में बताना है हमें। देखिए एग्जाम्पल ये पिक्चर है हमारी, ये सनफ्लावर है आपका, ठीक है, अब नीचे से क्या लेगा वाटर ले रहा है आपका, ये लीफ है आपकी, लीफ कार्बन डाइऑक्साइड बताए पीछे कार्बन डाइऑक्साइड है और सनलाइट ऊपर से मिल रही है आपकी, तो यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ेगा ये, इधर से क्लोरोफिल होगा लीफ के अंदर और ग्लूकोज फॉर्म होगा, ये दो चीज़ आपकी निकलती हैं, ठीक है, ये अप का साइन है निकलने का और ये डाउन का साइन इनके अंदर होने का या लेने का इसका, क्लियर। समझ में आगे देखते हैं, थोड़ा और जूम कर देते हैं इसको, अब दिख रहा है क्लियर है। कह रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, भाई ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट है द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोराइज, जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट में किसके स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में स्टार्च की फॉर्म में। थर्ड कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जीज कैप्चर्ड बाई पिगमेंट गाल, किस कैप्चर पिगमेंट होती है मैं बताया था आपको क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव्स में पाया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश, प्लांट्स क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन
छोड़ते हैं। क्लियर है गाइस, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन आपका, कह रहा नेम द फॉलोइंग, बताने हैं अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड टर्बुलर स्टेम, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैस्केटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केटा। सेकंड है ए प्लांट डेट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी और हेटरोट्रॉपिक भी है। कौन है? पिचर प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, ठीक है। थर्ड है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, किसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करती हैं? स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज करती हैं। क्या करती हैं? स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज करती हैं आपकी। क्लियर। अब एट क्वेश्चन कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। जैसे अमरबेल इज एन एग्जाम्पल हो, अमरबेल किसका एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, क्लियर है, ठीक है। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है आपका? अमरबेल एग्जाम्पल आपका ऑटोट्रॉप का, ठीक है। जैसे एक ऑप्शन दे रखे हैं आपके ए, ऑटोट्रॉप पैरासाइट सेप्रोट्रॉप और होस्ट, किसका एग्जाम्पल है आपका? ये पैरासाइट का है, ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है, ना ही सेप्रोट्रॉप का आपका। क्लियर, तो इसमें सेकंड पैरासाइट का एग्जाम्पल होगा आपका। समझ में आया? आगे चलते हैं। सेकंड है कह रहा है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, मतलब किस कौन सा ऐसा प्लांट है जो ट्रैप कर लेता है और फीड करता है इंसेक्ट्स में, क्या नाम है उसका? पीचर प्लांट। आप अच्छे जानते हैं क्या नाम है उसका? पीचर प्लांट। क्या है? पीचर प्लांट, ठीक है, ये दिख गया आपको। नेक्स्ट है जैसे नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका मैच द कॉलम, ये क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है, अमरबेल है, एनिमल है, इंसेक्ट है, इनको मैच करने हैं। भाई आपको पता है जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किसका पार्ट होता है? लीफ का पार्ट होता है। क्लियर, और नाइट्रोजन कौन लेता है? बैक्टीरिया लेता है। अब अमरबेल, अमरबेल क्या आपका पैरासाइट है, और एनिमल क्या होते हैं आपके? हेटरोट्रॉप होते हैं, और इंसेक्ट क्या कौन खाता है? पिचर प्लांट खाता है, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल लीफ है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, अमरबेल पैरासाइट। क्लियर, और एनिमल कौन से होते हैं? हेटरोट्रॉप, और इंसेक्ट पिचर प्लांट। नेक्स्ट में ट्रू फॉल्स को थोड़ा जूम कर देता हूँ। दिख रहे हैं आपको भी? देख रहा है, मार्क टी, ट्रू के लिए टी करना है और एफ के लिए फॉल्स करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस में रिलीज होती है? नहीं, वो तो ली जाती है ना, तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सेकंड है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स, क्या प्लांट्स खुद अपना जो खाना बनाते हैं उनको सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं? नहीं, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं आपके, मतलब डिकेइंग को लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट ए प्रोटीन, जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो सोलर एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस में? हाँ जी बिल्कुल होती है, पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट है इलेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन सा लिया जाता है? भाई स्टोमेटा तो लिया जाता है, आपको पता ही है इसका सीधा आंसर है। रूट हेयर नहीं होता, लीफ वेन्स नहीं होती, सीपल्स नहीं होता, क्या होता है? स्टोमेटा होता है आपका। क्लियर, नेक्स्ट देते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है वही, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू द एयर, जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो कहाँ से लेता है? रूट से लेता है? नहीं, पानी लेता था, स्टेम से बिल्कुल नहीं लेता, फ्लावर से लेता, कहाँ से लेता? लीव से लेता। क्या आंसर होगा इसका? लीव्स आंसर होगा। क्लियर, तो गाइज ये हमारा स्टेप से था, सेवन्थ की फर्स्ट क्लास, सेवन्थ का साइंस का पहला चैप्टर है आपका, चैप्टर वन है। इससे आप सबको चैप्टर टू मिल जाएगा, पहले आपको नोट्स मिलेंगे, देन आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं। तो ये सिक्स आपका लेके, सिक्स से लेके टेंथ तक का साइंस का है सारा, सेम इसी टाइप से पैटर्न चलेगा आपका, नोट्स देन क्वेश्चन आंसर, इस स्टेप से मैं समझाऊंगा। तो जितने भी बच्चे हैं यूपीएससी वाले वो भी फॉलो कर सकते हैं, एसएससी वाले वो भी फॉलो कर सकते हैं, प्लस जो एकेडमिक के बच्चे हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट ही है ये। और जितने भी टीचर हैं जिनको भी प्रॉब्लम होती है वो इस वीडियो के थ्रू आप देख के आप टीच कर सकते हैं, ठीक है।
गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस टाइप की वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए, तभी आपको नोटिफिकेशन का पता चलेगा कि मेरी नई वीडियो कौन सी आई है आपको, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।